नेटारेक 7 न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको बताते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड टीवी जगत और देश दुनिया की सारी बड़ी खबरें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी अभिनेता करण कुंद्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ ही साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं। करण कुंद्रा के सोशल मीडिया पोस्ट अक्सर वायरल हो जाते हैं। इसी बीच करण का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में करण कुंद्रा एक शख्स को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ देर में करण की गलतफहमी दूर हो जाती है और फिर पूरा मामला पलट ही जाता है। बस बस मारेगा क्या? धाकड़ चल रहे। ओए होए होए मार कंगना मार। परवेज परवेज तेरी तो रुक, अरे सर रुक, रुक सर, तेरी ऐसी की तेजी रुक रुक। अरे भाई भाई मत मारो भाई भाई मत मारो भाई। अभी अभी धाकड़ दे क्या हूँ, मुझसे पंगा लेगा तू? रुक 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 होल्ड। भाई भाई ये तो मैकेनिक है, मैंने बुलाया था। मैकेनिक? सॉरी यार सॉरी सॉरी। अरे भाई क्या मस्त एक्शन है यार, कहाँ पर आई है ये? Z5 पे है, Z5 पे। तू देख तू देख। दरअसल करण का ये वीडियो कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ का प्रमोशन है। वीडियो में नजर आ रहा है कि करण कार में बैठते हैं और Z5 पर फिल्म धाकड़ देखना शुरू कर देते हैं। फिल्म में एक्शन सीन्स को देखते हुए करण एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है कि एक शख्स उनकी कार के पास आ रहा है और करण कार से उतर कर उस शख्स की पिटाई शुरू कर देते हैं। तभी करण का ड्राइवर आता है और बताता है कि वो मैकेनिक है जो कार सही करने के लिए आया है। बता दें कि सिनेमा घरों के बाद कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ Z5 पर स्ट्रीम कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ये एक स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में कंगना रनौत लीड रोल में है। उनके साथ अर्जुन रामपाल, दिव्या दत्ता और शाश्वत चटर्जी सहायक भूमिकाओं में है। इस फिल्म का निर्देशन रजनीश घई ने किया है। फिल्म का कुल कलेक्शन 2.58 करोड़ रुपये था। कंगना रनौत की आखिरी फिल्म धाकड़ बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही बुरी तरह पिट गई, जिसके बाद उन्होंने अपनी अगली फिल्म का ऐलान कर दिया। कंगना की अपकमिंग फिल्म का नाम है इमरजेंसी, जिसमें वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाते हुए नजर आएंगी। कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी से जुड़ा एक किस्सा बयान किया। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वर्ष 1975 के एक अखबार के पहले पन्ने की तस्वीर साझा की और लिखा, ये दुनिया के इतिहास की सबसे ड्रामेटिक घटना में से एक है। आज के दिन घोषित किए गए आपातकाल का क्या कारण था और इसके क्या परिणाम हुए थे? कंगना ने लिखा, इसके केंद्र में दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला थी। इस पर बड़े स्तर पर फिल्म बननी चाहिए। अगले साल इमरजेंसी के साथ सिनेमा घरों में मिलते हैं। कंगना के इस पोस्ट से साफ जाहिर है कि फिल्म 25 जून 2023 में रिलीज होने वाली है।